उपेंद्र कुशवाहा के डील वाले बयान पर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी जेडीयू में कोई डील नहीं हुई है, सिर्फ एक ही डील है, वो है सांप्रदायिक शक्ति भाजपा को रोकने की। बोधगया में बौद्ध महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा भागे, यही आरजेडी जेडीयू में डील हुई है। वहीं शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सबको अपना विचार रखने का हक है। बोध गया यहाँ महात्मा बुद्ध की धरती रही है, ज्ञान मोक्ष की धरती रही है, और हम सब लोग बोध महोत्सव की आज शुरुआत उद्घाटन हुआ है, 3 दिन चलेगा, और इसको देखते हुए यहाँ आज आगमन हुआ है और यहाँ कई विकास के कार्य चल रहे हैं। जैसे हमने बताया कि बहुत चीज़ें जो हैं आनी बाकी है, बहुत चीज़ें बननी बाकी है, हर एक चीज़ों को देखते हुए एक इंटरनेशनल स्पॉट ऑलरेडी है, लेकिन उस हिसाब को और बेहतर बनाना है। इतना अच्छा काम हुआ है, उससे और बेहतर काम आगे करना है, उसको देखते हुए हम लोग सब लोग हमारी जो नई सरकार के नेतृत्व में बनी है, उस चीज़ को हम लोग सर नालंदा में चंदा के लिए 2 लोगों की पीट पीट कर हत्या हुई, हमको जानकारी नहीं है। अगर आप जैसा कह रहे हैं तो गलत बात है, ऐसा अगर कोई किया है तो उसमें दिखवाना चाहिए कौन व्यक्ति अगर चंदा की लगा तो पीटा है। पुलिस जो है हमको लगता अपना काम करेगी, विश्वास है। सर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि आरजेडी या जेडीयू के बीच जो डील हुआ है वो जानना चाह रहे हैं। डील क्या है? सांप्रदायिक शक्तियों को रोको, भाजपा को भगाओ, और क्या डील हो सकता है? और कोई डील होता तो पहले नहीं हो जाता। भाई भाजपा को भगाना हमारा मेन है कि भाजपा भागे, तो इसमें तो उपेंद्र कुशवाहा जी को साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, जिस विचारधारा के रहे हैं रही है, और हम सब लोग बहुत महोत्सव की आज शुरुआत उद्घाटन हुआ है, 3 दिन चलेगा, और इसको देखते हुए यहाँ आज आगमन हुआ है और यहाँ कई विकास के कार्य चल रहे हैं। जैसे हमने बताया कि बहुत चीज़ें जो हैं आनी बाकी है, बहुत चीज़ें बननी बाकी है, हर एक चीज़ों को देखते हुए एक इंटरनेशनल स्पॉट ऑलरेडी है, लेकिन उस हिसाब को और बेहतर बनाना है। इतना अच्छा काम हुआ है, उससे और बेहतर काम आगे करना है, उसको देखते हुए हम लोग सब लोग हमारी जो नई सरकार के नेतृत्व में बनी है, उस चीज़ को हम लोग सर नालंदा में चंदा के लिए 2 लोगों की पीट पीट कर हत्या हुई, हमको जानकारी नहीं है। अगर आप जैसा कह रहे हैं तो गलत बात है, ऐसा अगर कोई किया है तो उसमें दिखवाना चाहिए कौन व्यक्ति अगर चंदा की लगा तो पीटा है।